हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई लोग, आज मेरे पास फ्री फायर स्पोर्ट रिलेटेड काफी सारी न्यूज है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। पता है मुझे तुम लोगों ने नहीं देखा, कल बहुत ज्यादा कंफ्यूज आए थे उसमें, तो जाके देख लेना। तो भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं कुछ टूर्नामेंट रिजल्ट्स के बारे में। आज का पहला टूर्नामेंट रिजल्ट है क्रिटिकल एक्स रॉयल मास्टर सीजन 5 का। तो इसके चैंपियन बने पीवीएस गेमिंग 89 स्कोर के साथ, और सेकंड है टीम इंसेन 80 स्कोर के साथ, टीम इंसिनिटी 78 स्कोर के साथ। और बाकी टीम्स का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग एक टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है चैंपियंस लीग। इसका प्राइस पूल है 50,000। 1 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके रजिस्टर कर लो। और भाई लोग, सभी अंडरडॉग्स टीम के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो जाके रजिस्टर कर लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूर्नामेंट के बारे में। तो गाइस, नेक्स्ट टूर्नामेंट है खिलाड़ी अड्डा इन्विटेशन शोडाउन एलिमिनेशन पॉज राउंड 2 में। टेबल टॉप के इंसेन स्पोर्ट है 97 स्कोर के साथ, और सेकंड है अंकुश एफएफ 85 स्कोर के साथ, और थर्ड है टीम केओएस 80 स्कोर। और बाकी टीम्स का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट टूर्नामेंट रिजल्ट आ रहा है नेक्स्ट टूर्नामेंट का, जिसमें टेबल टॉप के जॉन्टी गेमिंग ने 245 स्कोर के साथ, और सेकंड है निकबैंक गैलेक्सी 231 स्कोर के साथ, और थर्ड है गॉडलाइक 218 स्कोर। और बाकी टीम्स का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट टूर्नामेंट रिजल्ट है फ्री फायर प्रो लीग थाईलैंड सीजन 5 टूर्नामेंट का। और इस टूर्नामेंट के चैंपियन बने इवोस फोनिक्स। और स्कोर की बात करें तो इवोस फोनिक्स ने किया 192 स्कोर। और बाकी टीम्स का स्कोर देखना चाहते हो तो पॉज करके देख सकते हो। और प्राइस पूल की बात करें तो इवोस फोनिक्स को मिला $60,862। अब बात करते हैं स्पोर्ट अपडेट्स के बारे में। तो आज का पहला अपडेट है इग्नाइट की तरफ से। तो गाइस, इग्नाइट ने अपना न्यू लोगो बना लिया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है देसी गेमर स्पोर्ट की तरफ से। तो डीजी ने 1 अप्रैल को अनाउंसमेंट किया था कि डीजी डिसबैंड हो गया है, तो इसीलिए सभी लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 1 अप्रैल को अनाउंसमेंट किया था कि डीजी डिसबैंड हो गया। तो इसी बारे में रॉकी भाई को जब पूछा गया रॉकी भाई के लाइव स्ट्रीम में, तो रॉकी भाई ने क्या कहा तुम लोग को दिखा देता हूँ। एनी इन्फो व्हाई डीजी इज डिसबैंड? डीजी इज नॉट डिसबैंड, वो सिर्फ अप्रैल फूल बनाया जा रहा था गाइस, क्योंकि एक्चुअली ऐसा है देसी गेमर ईस्पोर्ट्स के कुछ प्लेयर्स जो है ना, उनका बोर्ड एग्जामिनेशन, तो कुछ दिन खेल नहीं पाएंगे, तो बस ऐसे ही शरारत थी और कुछ नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञान गेमिंग। लेकिन मैंने तुम लोग कुछ दिन पहले बताया था और वीडियो भी दिखा था कि डीजी हर डीजी से कंटिन्यू नहीं करेंगे, तो ये थंबनेल याद आएगा तो मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट है रॉकी भाई की तरफ से। तो मैंने कल के वीडियो में कवर किया था कि रॉकी भाई का इंस्टा अकाउंट हैक हो गया, तो रॉकी भाई ने इसके ऊपर रिप्लाई दिया। तो रॉकी भाई ने क्या कहा मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। कि सीन ऐसा है कि इंस्टाग्राम जो है, कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स का इंस्टाग्राम जो है वो या तो हैक हो चुका है या तो गाइस डिसेबल हो चुका है। कोई इंस्टाग्राम का इटसेल्फ ग्लिच है। मैं ही नहीं, एएस गेमिंग और बड़े बड़े क्रिएटर्स और ईस्पोर्ट्स प्लेयर जैसे हमारे किलर एफएफ या फिर मिस्टर जेवाईटी, सबका जो है इंस्टाग्राम डिसेबल हो चुका है। तो गाइज, अभी हम कोशिश कर रहे हैं इंस्टाग्राम वापस जैसे ही आएगा, अनाउंसमेंट हो तब की तब होगी, बट आज आपको लाइव स्ट्रीम पे ग्रुप। तो रॉकी भाई का अकाउंट जब आएगा मैं तुम लोग को अपडेट कर दूंगा। तो इस मैटर के ऊपर टीजी हंड ने भी बात किया, और टीजी हंड ने कहा कि एक पूरा ग्रुप है जो सबके इंस्टा अकाउंट को बहुत ज्यादा रिपोर्ट करे, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो टीजी हंड ने क्या कहा मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। बोल रहे हो की वजह से सबको सफर करना पड़ रहेगा, प्लीज बताओ। अरे नितेश लजनानी जी, मैं जो अभी फिलहाल चल रहा है भाई, बंदे हैंकर आ रहे हैं, ग्रुप बना रहे, 400 बंदों का एक ग्रुप बना दे रहे, उसके बाद वो मास रिपोर्ट कर दे रहे किसी भी इंस्टा पेज पे जाके, इससे ये हो रहा उनका जो इंस्टाग्राम पेज है वो बंद हो जा रहा है। एंड गाइस, प्रॉब्लम उनको आ रही है गाइस यार, मतलब किसी की मेहनत हो तुम किसी मेहनत को यूं बर्बाद कर रहे। सबसे पहले किस देखने मिला था गाइस, ओजी के पेज के साथ देन किलर का अकाउंट डाला, देन बीच में गाइस आपके आपके वास्तव का भी अकाउंट डाला, देन आप फौजी भाई का भी अकाउंट को टारगेट करा जा चुका है, डिलीट का भी अकाउंट गायब हो रखा है गाइस, फौजी भाई डिलीट का अकाउंट गायब हो रखा है, आपको पता है? नहीं पता होगा तो गाइस पता कर लो, जाओ इंस्टाग्राम में चेकआउट कर लो। आपको दूसरा हाथ चाहिए होता है, सफर करना पड़ रहा है आपकी पर्सनल दुश्मनी को लेकर। तो गाइज, टीजी जो कम्युनिटी पोस्ट की बात कर रहे थे, तो गाइज ये है कम्युनिटी पोस्ट। और टीजी ने लिखा है कि गाइज, यार जो भी करना है ना, नीच हरकत बहुत गंदा फंसने वाला है। तो गाइज, इससे तो ये पता चल रहा है कि सब लोग कोई ना कोई एक्शन लेंगे, जो भी बंदे ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट है टीजी हंट की तरफ से। तो कल जब टीजी हंट अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते, तो वहाँ पे टीजी हंट ने ओजी के फोर्थ प्लेयर के बारे में बात किया। ओजी के फोर्थ प्लेयर का नाम तो नहीं बताया, लेकिन टीजी हंट ने ये बताया कि जितने भी लोगों को हम लोग फोर्थ प्लेयर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनमें से एक भी फोर्थ प्लेयर नहीं है। और टीजी हंट ने ये भी बताया कि वो एक रशर है। तो टीजी हंट ने क्या कहा मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। विवेक क्या गलत ब्रो, गलत, चलो बोलते रहो गाइस, आज देख ही जाएगी विवेक क्या, नहीं ब्रो गलत, ड्यू कर तो भाई दूर दूर तक
है, दूर दूर तक करो लोग। नहीं आता जब तक कि गेम गाइस आपका ऐप स्टोर अवेलेबल नहीं होगा तब तक नो एडवर्टाइजमेंट। लाइक कॉक है यार, गुस्से का नहीं ब्रो, गुस्से वालों का तो नहीं गाइस, गुस्से वाले रिकॉर्ड यस ओके नो ब्रो। किसी वालों को दूर दूर तक रिक्शा है, नहीं गुस्से गैंग वालों को, नहीं पीएस वालों का दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। क्या अगर पीएस को खेलना होगा, योगी को खेलना होगा तो अपने नाम से खेलेगा, याद रखना। एजी ड्रीट है वो जो फोर्थ क्लब है, जवाब है। और टीजीएन ने इसी लाइव स्ट्रीम में टीएम के 6 प्लेयर का नेम रिवील कर दिया और ये भी बताया कि टीएम कोई ऑर्ग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, तो मैं तुमको वो क्लिप भी दिखा देता हूँ। एक्स का है क्या? नहीं गाइस, एक्स का नहीं है भाई, पुणे भाई है फोर्थ प्लेयर। पुणे भाई तो गाइस टीएम 6 प्लेयर है गाइस, बताओ को टीम ऑफिस के 6 प्लेयर को पुणे भाई है। 31 कौन है ऐसा हेड भाई? महीना हो गया ऑर्गेनाइजेशन की अनाउंस नहीं हुई टीजी टीएम का। यार एक्चुअली यार ऑर्गेनाइजेशन की अनाउंसमेंट तब तक नहीं होगी जब तक गेम नहीं आता, जब तक कि गेम गाइस आपका ऐप स्टोर में अवेलेबल नहीं होगा तब तक नो। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो नेक्स्ट अपडेट है देसी गेमर की तरफ से। तो देसी गेमर ने अपने लाइव स्ट्रीम में बात किया कि देसी गेमर अभी डिसबैंड हो गया या फिर देसी गेमर अभी तक डिसबैंड नहीं हुआ। तो देसी गेमर ने क्या कहा मैं तुम लोग को दिखा देता हूं। डीजी स्पोर्ट्स सच में डिसबैंड हुई है क्या ब्रो? देखो डीजी स्पोर्ट्स इज डीजी स्पोर्ट्स, हमने कभी डीजी स्पोर्ट्स को अपने अंदर बांध के नहीं रखा है। कुछ अच्छा ऑफर आया तो वो लोग चले भी जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बढ़िया ऑफर आया, बढ़िया, अगर देखो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द ऑफर एंड एवरीथिंग, यू नो दैट सब सबसे अच्छे के लिए होता है। एंड अगर डिसबैंड हुई भी है तो बोल के करेंगे ना, चोरी छुपे थोड़े। तो गाइज मुझे तो लगता है देसी गेमर अभी कोई ऑर्ग में ज्वाइन नहीं करेंगे जब तक फ्री फायर वापस नहीं आता। तो भाई लोग आज का अपडेट बस इतने था, और डिस्क्रिप्शन में टूर्नामेंट का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना, रजिस्टर कर लेना। तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे कैसे भी गलती से नया आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी और एक वीडियो में, बाय। मजा आया।